हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू व्यंजन द कुकरी क्लासेस। आज मैं आपके लिए कुछ खास लेकर आई हूँ, ईद और रक्षाबंधन स्पेशल स्वीट सेवई, हल्का सा ट्विस्ट लिए हुए। चलिए शुरू करते हैं। ये हैं आज के इंग्रेडिएंट्स। 1 लीटर मिल्क है ये, शुगर, ये सेवई है, मैंगो पल्प, पनीर, देसी घी, कस्टर्ड पाउडर, इलायची पाउडर और चॉप्ड ड्राई फ्रूट्स। मैं ये मिल्क इसमें कढ़ाई में डाल देती हूँ। गैस हम फुल फ्लेम पर इसे कर लेंगे और दूध को पकाना शुरू करते हैं। लगभग इसमें हमें 10 से 15 मिनट लगेंगे पकाने में। मैं एक बाउल में 1/4 कप मिल्क अलग कर लूँगी। इसके अंदर मैं कस्टर्ड पाउडर घोलूँगी। दोस्तों, आप देख रहे हो व्यंजन द कुकरी क्लासेस चैनल, आपका अपना चैनल, और आपको मेज़रमेंट सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और वीडियो के एंड में भी मिल जाएंगे। ये मैंने कस्टर्ड पाउडर घोल लिया है। जब एक बॉईल आएगा उसके बाद मैं इसे ऐड करूँगी। मैं इसमें ये सेवई ऐड कर दूँगी, इसे हम जवे भी कहते हैं। हम दूध के साथ ही इन्हें डाल देते हैं ताकि अच्छे से कुक हो जाएं। दूध और जवों को पकते हुए लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम इसमें पनीर ऐड कर लेंगे। मैंने पनीर को क्रश करके बनाया है और ये घर का बना हुआ पनीर है। अब इसमें हम देसी घी भी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, देसी घी को जब बॉयल आने लगे तभी ऐड करना है। देसी घी ऐड करने के पीछे ये रीज़न है कि इससे फ्लेवर एनहांस होता है और ये अच्छे से मिक्स भी हो जाएगा इसके अंदर। अब हम इसमें कस्टर्ड पाउडर जो मैंने घोल कर रखा हुआ है दूध में, वो मिक्स कर लेंगे। पहले अच्छे से स्टर कर लेंगे क्योंकि नीचे बैठ जाता है। आप देख रहे हैं देसी घी डालने से कितना अच्छा कलर आना शुरू हो गया है इसका, और इसमें से अरोमा भी बहुत अच्छा आता है इसमें। अब हम इसके अंदर इलायची पाउडर ऐड कर लेंगे। देखिए, चीनी हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे, जब थोड़ा ये पक जाएगा, जवे हमारे गल जाएंगे तब ऐड करेंगे हम इसके अंदर चीनी। देखिए फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा गाढ़ा होना शुरू हो गया है। अब हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। जैसा कि सबको ही पता है कि अगर हम शुगर पहले ऐड करते हैं सेवई में तो दूध फट जाता है, इसलिए हम लास्ट में ऐड करते हैं इसे। और अब हम इसे फुल फ्लेम पर थोड़ा सा पका लेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी हमें थिक रखनी है। फ्रेंड्स, जैसे हमारी ये सेवई बनकर तैयार हो गई हैं, अब हम इसमें बनाएंगे, जैसे मैंने आपको बताया था कि ट्विस्ट देंगे। अब हम इसके अंदर, मैं हाफ सेवई इसमें ट्रांसफ़र कर लेती हूँ, और अब मैं इसके अंदर मैंगो पल्प डालूँगी। मैंगो पल्प हमें सबसे लास्ट में ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी मैंगो पल्प में हल्का सा सिट्रिक एसिड होता है। अगर हम पहले ऐड करेंगे हमारा दूध पूरा फट जाएगा। बस इसे हम हल्का सा एक बॉईल देंगे और गैस ऑफ कर देंगे। ये भी अपने आप में बहुत अच्छी रेसिपी है। अब आप लोग भी रक्षाबंधन वाले दिन इसे बनाइएगा और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर भी कीजिए, और मुझे बताइए कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसे लगती है। फ्रेंड्स, देखिए बनकर तैयार है हमारी मीठी सेवई कुछ ट्विस्ट के साथ, मैंगो फिरनी। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।